हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक प्रजापति एक बार फिर से अपने चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज है 17 अगस्त, तो आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को चुना गया। तो ध्यान देना आपको, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को सम्मानित किया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बन गया। तो आपको ध्यान देना, जो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान है, यह आदिवासियों का एक संस्थान है और यहाँ पे क्या इसका शुरुआत कब हुआ था, 1993 में, और 2017 में क्या डीम्ड टू बी स्कूल नाम से, विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम कि यह पुरस्कार किसको किसको मिला। तो ध्यान देंगे, यह पहली बार 1989 में दिया गया था, ठीक है। यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विजेता को एक पदक, एक डिप्लोमा और $20,000 दिया जाता है, ठीक है। यह सेंजोंग महान के सम्मान में दिया जाता है जिन्होंने कोरियाई वर्णमाला हांगुल को बनाया था। तो ध्यान देंगे, यह किसको किसके सम्मान में दिया जाता है? तो यह सेंजोंग महान के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे हांगुल शब्द आया, तो हांगुल जो है वह क्या है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है जो कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस गुरुमूर्ति, सतीश के मराठे एंड सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? एस गुरुमूर्ति, सतीश के मराठे एंड सचिन चतुर्वेदी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उन्हें 11 अगस्त 2022 को 4 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट रियति अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को भी आरबीआई बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने, वर्तमान में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य हैं? कुल 15 निदेशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो ध्यान देंगे, ब्लू फ्लैग सम्मान किसे मिला है? दादा भाई नौरोजी को मिला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर जहाँ वे 19वीं सदी के अंत में 8 साल तक रहे को एक स्मारक ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, ब्लू फ्लैग योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों का सम्मान करती है। अगला पॉइंट है, नौरोजी ने इंग्लैंड की 7 यात्राएँ की और 3 दशकों से अधिक समय तक लंदन में रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौरोजी की पट्टिका का क्या किया गया? अनावरण किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अगला पॉइंट, उन्होंने आर्थिक निकास या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तो ध्यान देंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्थिक विकास या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो दादा भाई नौरोजी रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने ग्राम रक्षा कार्ड योजना अर्थात VDGAC 2022 के निर्माण को मंजूरी दी है? तो जम्मू और कश्मीर ने दिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना VDGS 2022 को मंजूरी दे दी है। यह योजना सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यह योजना 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गई है और इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने है, प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड अर्थात VDG के रूप में नामित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नेटग्रिड के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया, ठीक है। ध्यान देंगे, नेटग्रिड के नए कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी पीयूष गोयल को नेटग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान देना है कि जो नागालैंड कैडर के 1994 बैच के जो
भारतीय प्रशासनिक सेवाएं अर्थात IAS है उसमें पीयूष गोयल क्या रह चुके हैं, उसके उम्मीदवार रह चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने, केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 26 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव के रैंक में तैनात किया। ठीक है, आगे देखते हैं IAS पीयूष, देखिए क्या IAS अधिकारी पीयूष गोयल अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव में कार्यरत हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेटग्रिड का गठन कब हुआ था, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी और नेटग्रिड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली अर्थात भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ध्यान देंगे आप, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यह LED लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है, लालटेन का नाम रोशनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, डॉक्टर सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा संचालित एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान इसका अनावरण किया। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, उन्होंने भारत के डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अगला पॉइंट आपके सामने, उन्होंने कहा कि सोलाइन वाटर लालटेन भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन की सुगमता लाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मछुआरे समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए ये रोशनी फैलाने के लिए ये सेलाइन वाटर लालटेन का उपयोग किया गया या इसका निर्माण किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, उन्होंने कहा कि लालटेन LED बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना को बढ़ावा देगी। अगला पॉइंट आपके सामने, उन्होंने यह भी बताया कि लालटेन का उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट है, किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी का उपयोग लालटेन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र भोजन शो 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो आपको ध्यान देना है कोलकाता में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्री भोजन मेलों में से एक है, यह एक द्विवार्षिक शो है। तो ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया है ये क्या है, समुद्री भोजन मेलों का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, तेईसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसके पहले का संस्करण 22वां केरल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना और भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो आप ध्यान देंगे 83वें फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्मों टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाता है। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, इस फेस्टिवल में शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सरसुजी सरकार वह अपाड़ा सेन ने क्रमशः सरदार उधम व द रेपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, शेफाली शाह को दिया गया है और सरदार उधम व द रेपिट को बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।